नमस्कार, बोल्ड स्काई पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे दीर्घ श्वसन। दीर्घ श्वसन करने के लिए सबसे पहले जमीन पर आराम की मुद्रा में बैठ जाएं। इसके बाद हथेलियों को पेट पर हल्के से रखें। दोनों हाथों की मध्यमा उंगली नाभि पर एक दूसरे को स्पर्श करती रहे। इसके बाद धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पेट को ढीला छोड़ दें। अब श्वास खींचते हुए पेट को फुलाएं। प्राणायाम क्रिया करते वक्त श्वास को पहले छाती में, फिर पसलियों में और फिर पेट में महसूस करें। इससे प्राणायाम क्रिया को बहुत ही आराम से करें। इसके लिए आप 10-12 बार नाक के माध्यम से गहराई से सांस लें। इस बात का ध्यान रखें कि जिन लोगों को सांस संबंधित रोग हों, उन्हें इस आसन को करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। बात करें अगर दीर्घ श्वसन की, तो ये एक तरह का ऐसा प्राणायाम है जिससे ना केवल आपको मानसिक शांति मिलती है, बल्कि आपकी चेतना का, आपकी बुद्धि का विकास भी होता है और शरीर को, दिमाग को पूरी तरह ऑक्सीजन भी मिलती है। इसके अलावा जिस किसी को सर्दी जुखाम है, उन्हें ये आसन नियमित रूप से ज़रूर करना चाहिए। ये अवरुद्ध नाक को खोलने में मदद करता है। इसके अलावा सहन शक्ति को बढ़ाने और खून को शुद्ध करने में भी ये आसन काफ़ी मदद करता है। तो है ना, कितने अच्छे फ़ायदे इस आसन के। उम्मीद करते हैं इस आसन के फ़ायदे के बारे में जानकर आप भी आज से ही इस प्राणायाम को करना शुरू कर देंगे। तो आप कीजिए तैयारी इस प्राणायाम को करने की। हम आपसे मिलेंगे कल फिर एक नए आसन के साथ, एक नए प्राणायाम के साथ। फिलहाल अभी के लिए बोल्ड स्काई में बस इतना ही।